हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विशाल चौरसिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि बैंक निफ्टी का इंडिविजुअल हर एक स्टॉक का वेटेज आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कि हमें ये नहीं जानना है कि बैंक निफ्टी में HDFC बैंक 25% वेटेज रखता है, बल्कि हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर HDFC बैंक एक पॉइंट मूव करता है तो बैंक निफ्टी कितने पॉइंट्स मूव करेगा। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके कि मतलब HDFC बैंक का वेटेज 25% है तो इसका ये डिवाइड कर लो, ऐसे कैलकुलेट कर लो, इतना कॉम्प्लेक्स करके, ठीक है, आपको 50,000 60,000 100,000 के कोर्सेज में बताया जाता है, जबकि वो सिर्फ लोगों को उल्लू बनाने के तरीके हैं। हम इसे बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से कर सकते हैं। बात यह है कि ये चीज़ उन्हें भी नहीं पता है जो अपने 60,000 के कोर्सेज बेच रहे हैं। तो हमें ये क्यों जानना है लेकिन कि बैंक निफ्टी जो है, अगर बैंक निफ्टी के स्टॉक इतना मूव कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी कितना मूव करेगा। देखिए, अगर हम टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से जानते हैं और कहीं ना कहीं हमें ये आइडिया है कि कल कोटक बैंक जो कि अपने रेजिस्टेंस से इतना दूर खड़ा हुआ है 10 पॉइंट मूव कर सकता है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उससे बैंक निफ्टी कितना मूव कर सकता है, ठीक है, और इससे हमें बाकी ट्रेडर्स के ऊपर एक अच्छा सा एडवांटेज मिल जाएगा। इसे ही हम ट्रेडिंग की लैंग्वेज में एज कहते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे स्क्रीन पर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आना है अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे और वहाँ पे ऊपर सर्च करना है निफ्टी इंडिसीज, INDICES, ठीक है। उसके बाद से थोड़ा नीचे आना है और जो हमें सबसे पहला वेबसाइट मिलेगा निफ्टी इंडिसीज करके, ये भी एक NSE का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, इसे ओपन करना है। इस वेबसाइट के बारे में आज भी बहुत लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक है, इस पर बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिल सकती हैं। आप ये वेबसाइट खोल के एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। फिलहाल हम जिस बारे में डिस्कस करते हैं, इंडिसीज में आप चेक कर सकते हैं कि सारे निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, इन सब में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, ठीक है, प्लस इन स्टॉक्स का इंडिविजुअल वेटेज कितना है, तो क्या ही एडवांटेज हमें मिल रहा है, नहीं, ठीक है। फिलहाल उस पर नहीं आते हैं, फिलहाल आते हैं मार्केट डेटा, ठीक है। इंडेक्स मूवर्स, इंडेक्स मूवर्स पे आने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये निफ्टी 50 पे सेलेक्ट रहता है। आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि निफ्टी 50 के मूव करने पे, निफ्टी 50 के किसी एक स्टॉक के एक पॉइंट मूव करने पे निफ्टी में कितना पॉइंट का चेंज आता है, ठीक है। फिलहाल हम उस पर डिस्कस नहीं करते हैं, फिलहाल हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। मैं आपको बैंक निफ्टी का बता दूंगा, आप निफ्टी का खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हम आते हैं निफ्टी बैंक पे, ठीक है। यहाँ पे आपको निफ्टी बैंक के सारे स्टॉक्स दिख जाएंगे, HDFC, एक्सिस, कोटक, SBI, फेडरल, इंडसइंड, ठीक है। तो देखिए कैलकुलेट कैसे करना है, हम आइए एक्सिस बैंक पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, प्राइस मूवमेंट और उसके नीचे इंडेक्स मूवमेंट। मतलब एक्सिस बैंक के 6 पॉइंट मूव करने पे इंडेक्स 36 पॉइंट मूव किया है। तो इससे कैलकुलेट कैसे करें, सिंपल, सिर्फ अपना कैलकुलेटर खोलिए, ठीक है, और 36 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि एक्सिस बैंक के एक पॉइंट मूव करने पर बैंक निफ्टी 6 पॉइंट मूव करता है, ठीक है। लाइक बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कैलकुलेशन नहीं था। दूसरे पे आते हैं HDFC बैंक, HDFC बैंक ने आज 13 पॉइंट मूव किया है प्राइस मूवमेंट, जैसे आप ऊपर देख पा रहे होंगे, और इंडेक्स मूवमेंट हुआ है 91, ठीक है, सिंपल, 91 को 13 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, यानी कि HDFC बैंक के एक पॉइंट मूव करने से बैंक निफ्टी 7 पॉइंट मूव करता है। आते हैं कोटक बैंक पे, कोटक बैंक आज 16 पॉइंट मूव किया है, बैंक निफ्टी मूव किया है 36 डिवाइडेड बाय 16, दैट मीन्स कोटक बैंक के एक पॉइंट मूव करने पे बैंक निफ्टी 2 पॉइंट मूव करता है। डोंट यू थिंक सो, बहुत ही ज़्यादा इजी कैलकुलेशन हो गई है। लाइक हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, कोई 25% का वेटेज निकाल के ये सब फालतू काम नहीं कर रहे, सिंपली हम आके यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और इफ़ इन केस फ्यूचर में वेटेज चेंज होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए फ्यूचर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, लाइक HDFC बैंक का वेटेज 20% से 12% हो जाता है, या फिर से फॉर एग्जांपल कुछ इसका मार्केट कैप चेंज होता है, तो भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको इस वेबसाइट पर आना है, ठीक है, और सिंपली आपको कैलकुलेट करके निकल जाना है। तो मिलते हैं आपसे आउट्रो की वीडियो में। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आई होप आपको बहुत कुछ नॉलेज मिली होगी, आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। जो मैंने आपको बताया है उसे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके आपको 50,000 60,000 100,000 के कोर्सेज में बताया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ नॉलेज मिली है तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी कि मैं फ्यूचर में आपके लिए इतने ही अच्छे वीडियोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट बनाता रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।